एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, जब भी कांग्रेसी हमारे विचार को गाली देंगे, इनके नंबर और मेंबर दोनों घटेंगे। लोकसभा और गुजरात इसका उदाहरण है। मिश्रा ने कहा, यह समस्या परे है कि राहुल गांधी को सेना से इतनी नफरत क्यों है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस का मूल काम विभाजनकारी राजनीति करना है। जातिगत राजनीति ये करते हैं, सांप्रदायिक बातें ये करते हैं, जो भी टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर हैं वह ऐसी ही बातें करते हैं। मिश्रा ने कहा, जब भी कांग्रेसी हमारे विचार को गाली देंगे, इनके नंबर और मेंबर दोनों घटेंगे। लोकसभा और गुजरात इसका उदाहरण है। ये कहीं भी नंबर बढ़ा लें, ये जब भी विचार को हमारे को गाली देंगे, इनके नंबर कम होंगे, भले ही अपने मन में सोचे बढ़ेंगे। और नंबर घट रहे हैं, लोकसभा के नंबर घट रहे हैं, गुजरात में मेंबर घट रहे हैं, बंगाल में, यूपी में मेंबर घट रहे हैं, नंबर और मेंबर दोनों से सफाया होना है इनका। उन्होंने कहा, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और कमलनाथ अपमान यात्रा कर रहे हैं। मिश्रा ने कहा, राहुल बाबा बताए कि आखिर उन्हें सेना से इतनी नफरत क्यों है, सेना को अपमानित करने वाले लोग उनके साथ क्यों चल रहे हैं। ये सब नेताओं से हाथ जोड़ते चले जा रहे हैं। जब निवाड़ में यात्रा पहुंची तो कमलनाथ जी ने अरुण यादव के हाथ जोड़ लिए, और मेरी जानकारी में तो यह है कि अजय सिंह को बिंद में बुलाया ही नहीं गया है। आप लोग पूछे तो शायद ज्यादा स्पष्ट बता पाएंगे ये कि कमलनाथ जी लगातार निवाड़ पहुंचे तो अरुण यादव का अपमान, बिंद में पहुंच जाए तो अजय सिंह जी का अपमान, ये कैसे हाथ जोड़ रहे हैं उनके, यही समझ में नहीं आ रहे हैं। वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं राहुल बाबा, और ये अपमान यात्रा पे कमलनाथ जी चल रहे हैं। डॉक्टर मिश्रा ने कांग्रेसी और राहुल गांधी और उनके गुरु से आह्वान किया और कहा कि आइए मंदिर में दर्शन कीजिए और पुण्य के भागी बनिए। कांग्रेसियों को राहुल बाबा को तारीख समझ में आ जाना चाहिए, राहुल बाबा के गुरु दिग्विजय सिंह को, जो बहुत कहते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। लो आ गई तारीख, आइए आप भी दर्शन करिए और पुण्य के भागीदार बनिए। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।